दोस्तों मेरे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूँ सोना, और अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पे बहुत ठंडा मौसम है, मतलब बहुत अच्छा मौसम है। और आपने अभी तक देखा कि मैं आ रहा था लोनी से, और जो है वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसीलिए मैंने इसको अलग से डाल दिया। अभी चढ़ाई है तो इसलिए थोड़ी सांस खुली, और आपको सामने दिखाता हूँ मैं। अब सामने का व्यू ऐसा है गाइस, सामने दिखाई दे रहा है कैलाश पर्वत जहाँ गए थे शिवरात्रि पर, और सामने हेड़ाघान गोला है, और ये देखिए गाइस यहाँ का मौसम, और छोटी छोटी घास भी उगाई है। और गाइस देखिए सामने का कुछ ऐसा सीन है, सामने देखिए गाइस गोला दिखाई दे रही है, और उसके पास में ही हेड़ाघान बाबा का मंदिर भी है। अभी यहाँ से दिख नहीं रहा, फिर आपको बाद में दिखा दूंगा, वो पूरी गोला है। और ये देखिए यहाँ पे ऐसा है सीन, और गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे मौसम कोहरा छाया हुआ है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे भी, हल्द्वानी के बराबर ही है गर्मी यहाँ पे लगभग, अभी तो मेरे को हो रही मतलब। और अभी आप लोग देखिए, अब मैं एक टॉप में चढ़ने वाला हूँ, इस टॉप के बाद उस तरफ अलग ही मौसम होगा। ये देखिए गाइस मैंने आप लोगों को अभी बताया था उस तरफ अलग ही मौसम होगा, और इस तरफ का मौसम देखिए, अभी मेरे को वहाँ जाना है, बहुत दूर है अभी मतलब, आधा रास्ता मैंने अभी तय कर लिया, आधा रास्ता और है अभी। और यहाँ का मौसम देखिए ऐसा है, यहाँ पर रोड तो है लेकिन कच्ची रोड है, यहाँ पर आजकल गाड़ी वगैरह नहीं आती है। और मौसम देखिए यहाँ का, और यहाँ के मौसम और हल्द्वानी के मौसम में कितना फ़र्क है गाइस। यहाँ का सीन कुछ ऐसा है, और जो सामने ये नीचे स्कूल दिखाई दे रहा है, इस स्कूल में मैंने 1 से लेकर 5 तक पढ़ा, आंगनबाड़ी भी इसी स्कूल में पढ़ी थी मैंने। और अब मैं थोड़ी दूर में पहुँचने वाला हूँ, थोड़ा सा है मुश्किल से 15 मिनट का रास्ता अब और है। और ये देखिए यहाँ का सीन ऐसा है, अब सिर्फ 10 मिनट का रास्ता बचा है, और अभी बारिश बहुत तगड़ी आने वाली है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है अगर बारिश आएगी तो मैं मतलब अपने ननिहाल में पहुँचने तक भीग जाऊँगा। अभी आप लोग देखिए मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है, और बारिश हल्की हल्की तो आ रही है, अभी ज़्यादा नहीं आ रही, लेकिन पहुँच ही जाऊँगा आशा करता हूँ बगैर भीगे। और अभी यहाँ पर आप रास्ते में किसी का घर भी नहीं है, अब ऐसा ही है रास्ता थोड़ा सा, अब 10 मिनट लगेंगे कम से कम। और यहाँ पर अभी खेतों में मक्का वगैरह लगाई है, और चारों तरफ आजकल तो यहाँ पर हरियाली हो गई है। और आप लोग बताना आपको कौन सा ब्लॉग पसंद आ रहे हैं, हल्द्वानी के आ रहे हैं या यहाँ के आ रहे हैं। और आपको ज़रा मैं एक बार कैमरा बैक करके सामने की तरफ दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस सामने ये है छोड़ा गाँव, ये है गजार, और मतलब जो यहाँ के वैसे नाम है ये लोग मैं यहाँ पर मतलब सब जानता हूँ, कि पहले मैं यही रहता था, 12 साल तक मैं यही रहा, पूरे 12 साल से भी ज़्यादा रहा। और यहाँ पे मतलब बादल है, कोहरा है, मेरे को पता नहीं चल रहा क्या है। और ये देखिए गाइस अभी बारिश नहीं आ रही, और ये सामने देखिए पूरा कोलापार दिखाई दे रहा है, यहाँ से थोड़ा आगे से दिखाता हूँ। और ये देखिए गाइस सामने पूरा कोलापार दिखाई दे रहा है, और मौसम बहुत तगड़ा हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अब मिलेंगे आपको दूसरे ब्लॉग में कल सुबह। और ये देखिए ये है हिमांशु सिंह संबल, मेरा भाई है, और हिमांशु भाई हेलो बोल, हेलो हाय करते, हाय। दोस्तों मेरे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और लाइक करें और कमेंट करें, धन्यवाद धन्यवाद।